नमस्कार, आप सारे विद्यार्थियों को कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी लोग बेहतर होंगे। और भाई, वैकेंसी की भरमार एकदम हर सेक्टर में, चाहे आपका रेलवे की बात करें, एसएससी की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट से लेकर के सेंट्रल गवर्नमेंट तक बात करें, बुरा भर भर के वैकेंसी जो है आपका दिया जा रहा है। लेकिन इन वैकेंसी में आप सारे विद्यार्थी थोड़ा सावधान रहिए, आप गुमराह मत होइए, क्योंकि गुमराह करने वाले अनेकों लोग हैं जो आप सारे विद्यार्थियों को रियल चीज ना बता करके कुछ अपने मनगढ़ंत बातें जो है आप सारे विद्यार्थियों के बीच ला रहे हैं। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं कि जैसे एनटीपीसी की जो आपका इधर वैकेंसी दिया आपका, उसमें 10,884 सीट दिया है। उम्मीद ज्यादा था कि लगभग 20 से 25,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन क्या उतना दिया? नहीं दिया आपका। तो रेलवे का कहीं ना कहीं मंशा यह है कि हम हर साल वैकेंसी देंगे। आज के पेपर में भी इस तरह का कुछ नोटिस है कि हर 3 महीने पे नई भर्ती का विज्ञापन आएगा। तो अगर हमेशा अगर वो हर साल वैकेंसी देगी, तो जेन्युइन बात है वैकेंसी आपका कम मात्रा में आएगी। भगवान रेलवे वालों की सद्बुद्धि दे और हर साल वैकेंसी दे, ताकि हर साल विद्यार्थियों को परीक्षा में बैठने का मौका मिले। और अगर इस बार मान लेते हैं कि सिलेक्शन ना होवे किसी कारणवश से, तो अगली बार जरूर होवे। एक और चीज कहना चाहेंगे, बहुत सारे लोग जो हैं आप सारे विद्यार्थियों गुमराह कर रहे हैं कि ग्रुप डी में इस बार 1 लाख वैकेंसी आएगी या फिर 1 लाख से ऊपर वैकेंसी आएगी। तो भाई मेरे, सावधान हो जाओ। जहां तक हमें अनुमान है या फिर जैसा आपका रेलवे की पिछले बहाली जो आ चुकी है उसका रिकॉर्ड है, उस हिसाब से हमें लगता है कि ग्रुप डी की जो वैकेंसी है वो आपका 20 से 25 हजार या बहुत ज्यादा मैक्सिमम तो 30 हजार जा सकता है। और 30 हजार जाने की संभावना हमको दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। यानी 20 से 25 हजार की वैकेंसी के आसपास में आपको ग्रुप डी का मिल सकता है। कहीं आप इस भ्रम में मत रहिए कि 1 लाख वैकेंसी आएगी और हम उसके हिसाब से तैयारी करें। नहीं, आप अपना जान झोंक दो, करो या मरो वाली बात आपका है, इस बात का ध्यान रखिए। और कोई एक सब्जेक्ट के पीछे पागल मत होइए, क्योंकि सिलेक्शन किसी एक सब्जेक्ट से नहीं होता है, साइंस से नहीं होता, आर्ट्स से नहीं होता है, आपको सिलेक्शन हर सब्जेक्ट से मिलता है आपका, इस बात का ध्यान रखिए। मैथ्स, रीजनिंग, स्कोरिंग पेपर था, है और रहेगा। अगर इसको आप ईमानदारी से पढ़ लिए तो आप पूरा का पूरा मैथ्स रीजनिंग में स्कोर कर सकते हो। ना करगड़ के मर जाइएगा, जीके जीएस और साइंस करंट अफेयर की बात मैं कर रहा हूं, वो आपको 100% आउट ऑफ 100% नहीं कर सकते हो तो नहीं कर सकते हो। इसलिए आप सारे विद्यार्थी गुमराह मत होइए, अपने माथा लगाइए, अपने हिसाब से आप चीजों को काम करिए, और पढ़ाई में किसी भी तरह की कोई कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। जैसी अभी आपके सामने स्थिति है उसी के मुताबिक आप तैयारी करिए और सिलेक्शन लीजिए। हमारी सपोर्ट आप सारे विद्यार्थियों के साथ है और हमारी पूरी टीम का सपोर्ट आप सारे विद्यार्थियों के साथ है। ठीक है, धन्यवाद। यही बताना था इस वीडियो में आप सभी को।